अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है निवाड़ी से। 5 करोड़ की राजस्व जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। जमीन पर बने पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। निवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, 5 करोड़ की राजस्व जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जमीन पर बने पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। पुलिस और राजस्व विभाग ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो निवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, 5 करोड़ की राजस्व जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जमीन पर बने पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। पुलिस और राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, 5 करोड़ की राजस्व जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें पूनम, जो राजस्व विभाग है, नगर परिषद और पुलिस की आज संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें झांसी टीकूगढ़ मेन हाईवे पर 4 नंबर 9 की जमीन पर बरसों से अतिक्रमण और यहाँ लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अतिक्रमण की जो अतिक्रमण पर मकान बने हैं, कच्चे पक्के मकानों सहित एक ढाबे को भी गिराया गया है, जिसमें राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 करोड़ रुपए की लागत की जमीन बताई जा रही है। जी पूनम जी, दिनेश, जिस प्रकार से जो है 5 करोड़ की राजस्व की जमीन जिसको अतिक्रमण मुक्त आज कराया गया, कब से ये कब्जा कर रखा था? जी पूनम बिल्कुल, बता दें जो बरसों से जो अतिक्रमण जो कारी है, जो बरसों से कब्जा किए हुए थे और लगातार इसकी शिकायत की जा रही थी। एक तो 81 पर भी इसकी शिकायत की गई थी और जो निवाड़ी कलेक्टर को भी संज्ञान में लिया गया था, जब जाकर ये कार्रवाई हुई है। जी, इतने लंबे समय से और वो भी इतनी बड़ी रकम जो 5 करोड़ की राजस्व की जमीन है, पहले क्यों किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई? क्यों अतिक्रमण जो है करने दिए गए लोगों को? अब जाकर जब इतना एक के बाद एक मकान बनते चले गए, दुकानें बन गई और फिर उस पर कार्रवाई की गई है, पहले से क्यों नींद नहीं खुलती है? पहले से क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है? जी पूरा आपको बता दें, लंबे समय से जो अतिक्रमण कर रही है, इस पर कब्जा जमाए हुए थे, लगातार लोगों के द्वारा शिकायतें की जा रही थी, लेकिन जब 181 पर लोगों को द्वारा शिकायत की गई और कलेक्टर को द्वारा बार बार आवेदन दिया गया, जब जाकर आज सुबह 6 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी पूरा, क्या किसी प्रकार का दबाव के चलते जो है कार्रवाई नहीं की जा रही थी, किसी का संरक्षण किसी प्रकार का? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें जो निवाड़ी डिप्टी कलेक्टर हैं गौतम तागा, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने सीधा ही बताया है, किसी को बिना बताए सवेरे 6 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि जो जमीन है 5 लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा किए हुए थे और लगभग 5 एकड़ की 5 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है। जी जी, कितने जमीन, ये जो 5 करोड़ की जमीन है, कितने एकड़ की जमीन पर ये पूरा कब्जा था? और अगर ये कार्रवाई आज की गई तो क्या और भी अभी इस तरह की कार्रवाई हमें आगे भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें जो 5 करोड़ की जमीन है, संभवतः मेन हाईवे झांसी टीकूगढ़ मेन हाईवे 22 क्रमांक 9 जो मवई खड़क है, उस पर एक कब्जा था और लगभग 3.5 एकड़ जो 3.5 एकड़ जमीन है उस पर एक कब्जा था। और आगे भी गौतम ने बताया कि आगे भी कार्रवाई लगातार चलती जाएगी। जी शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल 3.5 एकड़ की लगभग की ये जमीन, 5 करोड़ की राजस्व की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वर्षों से जमीन पर लोगों ने कब्जा किया था, मकान बनाए गए, पक्के मकान और दुकानें बनाई गई, इसके बाद प्रशासन की नींद खुली और अब पूरे पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। 5 करोड़ की राजस्व की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वर्षों से अतिक्रमण की हुई जमीन को आज पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग ने मुक्त कराया। 5 करोड़ की लगभग की ये जो है राजस्व की जमीन, 3.5 एकड़ पर लोगों ने कब्जा कर रखा था।